बता नहीं सकता, मुझे इतनी खुशी हुई है। मैं ये भाई बखर से आए हैं, कासिम के लिए तोहफा लेकर आए और इनकी वजह से मेरे लिए लोग तो ये इनके प्यार में बंद है। मुझे एक बात का दुख हुआ जो मैंने कहा मैं वीडियो में आज शेयर जरूर करूंगा। आपको कितने लोगों ने क्या क्या कहा था, आप खुद ही बता दें। कम से कम 3-4 दिनों ने कैसे कहा और बात भी हमारी नहीं सुन रहे हो, हम उनसे कह रहे हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब देखो ये कह देना कि नवीद शेख हर एक को नहीं मिलता या वो सेलेक्ट करके बंदों को मिलता है, यार क्या गलासत है, क्या बकवास है यार। अल्लाह का शुक्र है आप मुझे बताएं, आप जाने से पहले लोग यहाँ पे बैठे हुए थे भी, उनसे पहले भी लोग बैठे हुए थे, कैमरा बनाने वाले, यानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो नंबर डायल होता है ना उस पर लिखे नहीं होता कि ये वजीर आजम है या वजीर आजम का मुआविन है या कोई फौज का ब्रिगेडियर है या जनरल है या पुलिस का कोई SHO है या कोई बिजनेसमैन है या कोई खरबपति है, ये नंबरों पर नहीं लिखा होता। ये भाई कॉल अटेंड करता है और जो कॉल करता है जिसने मिलना होता है वो मुझसे मिल लेता है। मुझे कसम से बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि नवीद शेख साहब सर बड़े बंदों को मिलती हैं, बात गलत। और मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, लोग गरीब इससे नहीं होते यहाँ से होते हैं, लोगों का दिमाग गरीब है, अपना दिमागी तौर पर इलाज करवाएं। गरीब और अमीर बंदा पैसों से नहीं होता, यहाँ से होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ पे अमीर है लेकिन जेब खाली है, और ऐसे लोग देखे हैं जिनके अकाउंट भरे हुए हैं 12-12 नंबरों के साथ लेकिन ये उनका दिल गरीब है। तो अपनी इस्लाह करें। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास मादी तौर पर पैसा कम होता है ऐसे लोगों की चाहत का मुकाबला दुनिया में कोई चीज अदा नहीं कर सकती। बड़े लोग अमीर लोग मुनाफ़त करते हैं, अक्सर दोगला करते हैं, ऊपर से ड्रामा एक्टिंग करते हैं। जो बंदा चाहता है उसका नेमल बदल अल्लाह ही दे सकता है। थैंक यू। वो करेंगे।